अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, यह है मेरा पाकिस्तान, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान के साथ मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी। मैं आज आया हुआ हूँ बगनौतर। मैं कुछ फुटस्टेप ढूंढ रहा हूँ जो है वो फोर फादर्स ऑफ अमरदीप सिंह, सरदार अमरदीप सिंह, जो कि एक अच्छे ट्रैवलर राइटर हैं और एक अच्छे फोटोग्राफ़र हैं। उनके जो फोर फादर्स थे, उनके नाना जी जो हैं वो शहीद हैं, उसके फ्रीडम फाइटर मोमेंट के थे, और है तो वो सुनार थे लेकिन बाद में जो है वो इस मोमेंट का हिस्सा बने। नवा शहर बिल्कुल पास ही है, तकरीबन कोई यहाँ से 20-22 किलोमीटर बनता है, लेकिन पहाड़ी इलाके में 20-22 किलोमीटर ऐसे ही है, ये पहाड़ क्रॉस करो और अगला पहाड़ जो है वो आ जाएगा। ये है प्री पार्टीशन की बिल्डिंग जो कि ब्रिटिश राज के अंदर जो है वो बनी थी, सेम ऐसी जैसी शिमला में या मरी के अंदर जो होती हैं। ये देखें, पुलिस स्टेशन बगनौतर। बगनौतर जो था, कभी ये चौकी थी और कभी ये थाना बना। वैसे जो मुझे पता चला है, अमरदीप साहब, सरदार दयाल सिंह साहब को जब अरेस्ट किया गया तो सबसे पहले इधर लेकर आए थे, और ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे उनकी पेशी थी, और यहाँ पे वो सारा कुछ हुआ, और उसके बाद जो है उनको कैद सुनाई गई, बंद रखा गया। अच्छा जी, आप कोई बता सकते हैं इसकी हवालात किधर थी, पुरानी हवालात? अच्छा, वो पुरानी बिल्डिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, पुरानी बिल्डिंग जो है वो गिर चुकी है, जिसमें वो था, जो थी, जो जेल थी या छोटी हवालात थी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ थाना बगनौतर, बगनौतर की चौकी है, और ये स्टाफ है यहाँ का, बड़ा वार्मली वेलकम किया है मुझे, और इवन देन दे ऑफर मी लंच, और मैं कहता हूँ कि मेहमान नवाजी की जो सिर्फ मिसाल दी जाती है, यहाँ के जो मोहरर हैं, हकीम खान साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया, उन्होंने मुझे 39 से लेके 47 तक का जो है वो रिकॉर्ड निकाल के दिया है, और उसमें बहुत ज़्यादा सारे ऐसे वाक़यात हैं जलाओ घिराओ पथराव के भी, और बड़ी छोटी छोटी इसी वो माइनर सी जो है रॉबरीज हैं उनके मतलब भी जिक्र है, किसी की साइकिल चोरी हो गई तो फ़लाँ नाम है, फ़लाना चंद, फ़लाना दास, फ़लाना सिंह, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो ASIs रहे हैं इस थाने में, जो उनका रिकॉर्ड, और बड़ा बड़ा अच्छा लगा, मतलब कि तारीख का एक जो है वो हिस्सा जो मेरे सामने आया, जो कि मुझे अमरदीप साहब ने बताया, तो उसकी वजह से पता चला, वरना शायद मुझे इस जगह का बिल्कुल पता भी ना चलता। और उसको मैं एबटाबाद आया हुआ था, एबटाबाद में मैंने सिटी थाना में गया हूँ, उसके बाद मैं फिर नवा शहर थाना में आया हूँ, और फिर मैं वाक कैंट एरिया में भी गया हूँ, लेकिन उसकी सबकी जाके रूट्स जो हैं एटलीस्ट जाके वो इधर मिलती हैं। उसके बाद फिर बकोट शरीफ जो आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल जाके साथ लगता है, वहाँ पर चला जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जहाँ पर थोड़ी सी महफूज जगह देखते थे और थाने को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता था, और जिसको चाहे चौकी करार दे दिया जाता था, जिसे चाहे थाना। ये 1947 से पहले की ये हालात हैं, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यहाँ पर वो केस हुआ था, और यहीं पे सारा कुछ जो है वो वारंट वगैरह यहीं से निकले थे, और घुड़सवार वहाँ पे जाते थे उस वक़्त, और जाके जो है वो उनको जो गदरी थे उनको वो लेकर आते थे। तो ब्रिटिश सरकार का हुक्म था कि जो भी गदर करता था उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो अरेस्ट करने के बाद सरदार साहब को जो है वो अरेस्ट करने के बाद उनको फिर नीचे सिटी की जेल में भी लेके गए, हवालात में ले जाने के बाद फिर उन्होंने उनको सज़ा सुनाई गई, सज़ा सुनाने के बाद फिर बाकी जो भी हुआ उनके साथ, फिर एटलीस्ट वो शहीद हो गए, और बाद में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो फ्रीडम फाइटर का वो ख़िताब भी दिया, और उनकी जो वाइफ थी इंदर कौर जी, उनको बाकायदा तौर पर शहीद की पेंशन मिलती थी। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, ये है मेरा पाकिस्तान, और सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान,
तमाम पेजेस के साथ मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी आज आपको दिखा रहा हूँ पुलिस स्टेशन बगनौतर। और बगनौतर में मुझे वेलकम किया था हकीम खान साहब ने, तो बहुत ही मतलब कि मैं जहाँ जहाँ पर भी मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ। बेशक अभी ये नॉर्थ वेस्ट पंजाब जो है वो KPK गवर्नमेंट के अंडर आता है, और लेकिन यहाँ पे मेहमान नवाजी सिर्फ घरों तक नहीं है, इवन देन अगर आप थाने में भी आते हैं तो वही कल्चर वही वो सारा कुछ आपको अभी तक यहाँ पर मिलता है। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ, ट्रैवल तो काफ़ी ज़्यादा सारा था लेकिन मज़ा आया, और रिसर्च करने का भी, और जो चीज़ मैं चाह रहा था 1940 का रिकॉर्ड वो तो खैर मुझे नहीं मिला। फिर मुझे नवा शहर के अंदर उन्होंने कुछ बताया, जो है वो कुछ लोग ऐसे थे फ्रीडम फाइटर थे जिनके जिनके नाम लिखे हुए थे एक स्लैब के ऊपर। अफसोस के जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने वो ख़त्म किया, वो आज छुट्टी थी, मैं तहसील म्यूनसिपल से पूछना चाह रहा था लेकिन मुझे वो नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं मुझे मिल सका। तो ये सामने हैं मेरे सामने जी हकीम खान साहब जो यहाँ के मोहरर हैं और इस थाने के रिकॉर्ड से अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और इन्होंने बड़ा वेल मेंटेन रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 1939 से लेके 47 तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो इनके पास मौजूद हैं। आप देख रहे हैं थाना बगनौतर, और ये थाना जो था वो नवाशहर यानी कि धर्मपुरा को भी लगता था और राजा रसालू की जो स्टेट थी उसको भी लगता था, और उसके बाद जो है वो कभी ये चौकी रहा और कभी ये थाना बना, कभी थाना भगवत शरीफ कहलाया और कभी उसके बाद फिर ये। तो ये ब्रिटिश एम्पायर में बनी हुई है, खूबसूरत बिल्डिंग है और इसके साथ जुड़ी हुई हैं यादें। सरदार अमरदीप सिंह ट्रैवल राइटर, फोटोग्राफर, फिलासफर और ऑथर ऑफ द बुक्स, लव दैट राइटिंग उनका जो है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं स्पेशली ये सिर्फ उनके लिए कर रहा हूँ और फ्रीडम फाइटर ऑफ द पंजाब्स के लिए। तो देखते रहें सिख पीरियड फुटस्टेप इन पंजाब एंड सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान, और ये है मेरा पाकिस्तान। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी।